हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। ये मैंने विहान के लिए जूस बनाया है। सुबह से रोटी नहीं खाई, मैंने कहा कुछ तो शरीर में जाए ना। अपने जूस में मैं एक अनार, एक संतरा और एक पाइनएप्पल डालूंगी। जूस तैयार है। एक्चुअली ना, मेरा जब भी मीठा खाने का दिल करता है मैं अपना जूस बना लेती हूँ। मेरी क्रेविंग्स होती है ना, उनको कंट्रोल में रहती है। फिर क्या है विहान? मम्मा को अपना जूस तो फिनिश करने दो ना। विहान को पापा जी के पास छोड़ के आई हूँ ताकि पापा जी का भी मूड अच्छा रहे और मैं इतने खाना बना सकूँ। और मेरे को ना ये वाला फोन मैंने ना 21,000 रुपए का भी खरीदा था 2-2.5 महीने पहले, सर्दियों में, 3 महीने पहले लगा लो। और इतना घटिया फोन निकला ना मेरा, मैं इतनी दुखी होती हूँ कई बार। पता है इस फोन, ये फोन हैंग इतना ज्यादा होता है, मतलब हर 2 मिनट बाद हैंग हो जाता है। अगर मैंने 2 भी एप्लीकेशन एक साथ खोल रखी है फोन हैंग हो जाएगा। और इसकी रैम बहुत अच्छी है, कम से कम 5-6 है ऐसे, फिर भी हैंग होता रहता है। और कैमरा तक हैंग हो जाता है कई बार, मैं फिर वो क्लिप ही डिलीट करती हूँ। मेरा कैमरा ना अपने आप यूं हो जाता है, बीच में रुक जाता है कैमरा तक। मतलब फोन भी हैंग, कैमरा भी हैंग, कुछ भी अच्छा नहीं। इतना महंगा क्यों है ये फोन, मेरे को तो समझ नहीं आया, है ना। बस बुरा तो लगा कि यार इससे बढ़िया मैं अपना जो हमेशा से यूज करती थी ना सैमसंग का ही खरीद लेती मैं फोन, कोई और मतलब मॉडल सही रहती। फालतू में शाओमी के चक्कर में पड़ी, मुझे तो अच्छा लगा नहीं बिल्कुल भी ये फोन। बट ये है कि अभी मेरे पास ना तो पैसे है कि मैं 20,000 रुपए बंदा कैसे निकाले, बार बार तो नहीं निकाल सकता ना। तो मैं अभी सोच रही हूँ कि 4-5 महीने ये साल तो निकाल लूं यार इस फोन से, कैसे भी निकाल लूं। इतना पैसा नहीं होता यार कि हर बार, हर 4 महीने बाद नया फोन खरीदो। मानती हूँ काम है मेरा, बट क्या कर सकती हूँ अब मैं, है ना, जैसा है जो है, काम तो चलाना ही पड़ेगा। ऐसे ऐसे ना मेरे पास 2 कुकर थे, देखो सेम है एकदम। तो एक मम्मी को दे दिया था मैंने, एक मेरे पास था, फिर मम्मी दूसरा भी मेरे को ही दे गई, बोलते तू यही रख ले क्योंकि खाना तो यही बनता है। देखो इधर मैंने दाल चढ़ा दी है, इधर चावल है और बाबू के लिए थोड़ा सा जूस मैंने तैयार कर दिया है। मैंने चावल बना लिए देखिए कुकर में, और सही बन जाते हैं, कुकर में टाइम नहीं लगता, जल्दी बन जाते हैं। तो चावल भी बन गई थी और दाल ना मैंने बनाते हुए ही उसमें छोंक लगा दिया था जीरे का। मैंने टमाटर ख़त्म हो रखे हैं हमारे घर में ना, आधे टाइम टमाटर होते ही नहीं है, देखते हैं ना फ्रिज में होते नहीं है, ख़त्म हो रखे होते हैं। प्याज रखे होते हैं पर प्याज मैं ऐड नहीं करती, दाल में तो बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते। तो ये मैंने मूंगी मसरी की मिक्स दाल बनाई, लेकिन मुझे दाल ना ऐसी ही अच्छी लगती है, सिंपल सी, जीरे का, घी में जीरे का छोंक लगा दो। दाल तो ऐसी होती है, उबली हुई भी बहुत अच्छी लगती है, टेस्टी। तो मैंने 2 प्लेट तैयार करी थी, विहान ने थोड़े से खाई, बिल्कुल ही 4-5 चम्मच। तो ये देखिए पापा जी की जो थाली है उसमें मैंने घी ऐड नहीं किया, विहान की मैं घी ऐड की है और अपनी में, क्योंकि पापा जी को ना बीपी की दिक्कत रहती है और जो बीपी के पेशेंट होते हैं ना उनको वैसे ही डॉक्टर बोल देते हैं कि घी वगैरह तेल कम लो, नमक भी कम कर देता होता है। तो नमक भी मैं बच्चे के हिसाब से और पापा जी के हिसाब से बहुत ही कम ऐड करूंगी। कल मैं यहाँ आई थी पापा जी के घर शाम को, बस झाड़ू झाड़ू पूरे घर में लगा गई थी, पापा जी को बोलती रही कि उठ जाओ बिस्तरा झाड़ दूंगी, पापा जी उठे ही नहीं। फिर मैं देखती हूँ आज शाम दिन में करूंगी सफाई पापा जी के घर, मेरे ऊपर काम बहुत ज्यादा हो जाता है, आप सोच ही सकते हो काम का बर्डन कितना होता है। खुद का भी घर है, फिर मम्मी के घर की भी सफाई कभी कभी करके आती हूँ, बच्चा भी संभालना होता है, फिर अभी ऊपर वाला घर का भी, मतलब डेली उठती हूँ ना पूरा दिन तो बस घर के कामों में ही निकल जाता है, फिर रूटीन काम भी तो करने होते हैं। और पापा जी फिर खाना खाने के बाद नीचे आ गए थे, मम्मी शायद अपनी चाय बना रहे थे इस टाइम, और बाबू खुश हो रहा था। और ये जो आपको पता है ना, ये जो लेकर आए थे पापा जी घर के ऊपर लगाते हैं, जो आप बता रहे थे, अभी तक मैंने लगाया नहीं है, बोलते हैं बुरी नज़र से बचाने के लिए होता है, तो इसको ना अपने माथे पे मखोटे की तरह
कान लगाता है और कहता है मैं भूत हूँ। मुझे इतनी हंसी आ रही थी विहान की ये हरकत देख के तो ना, तो अभी तो आप देखोगे ना घर की दोनों क्या तीनों क्या सारी घरों की सफाई नहीं हुई है, बस खाने पीने का काम हो गया था, बर्तन मैंने धो दिए थे ऑफ कैमरा, अभी क्या काम रहता है पूरे घर में। मुझे पहले तो पता है मैं इस घर में जिस घर में रहती हूँ इसी में झाड़ू पोछा वगैरह ख़त्म करती हूँ पहले तो, कि यहाँ की सफाई कर लूँ। पौधों को भी पानी देना होता है रोज, आप पौधों को पानी दिन में 2 बार देते हो या 1 बार देते हो कमेंट करके बताइएगा। मैं तो 1 बार देती हूँ, मुझे ना इतना पता नहीं है। आपने कहा था खाद भी अगर आपको देनी हो ना पौधों में तो उपले होते हैं ना गोबर के, वो खरीद लाओ, वही तोड़ तोड़ के डालते रहा करो। तो ये आइडिया भी मुझे वैसे आपका काफी पसंद आया। कल सुबह के टाइम मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था, याद होगा, जिसमें मैंने मेरी मम्मी की 35-40 साल पुरानी चीज़ों को बताया था, मम्मी पापा जी के, कि ऐसे ऐसे शादी हुई थी इनकी, मेरी मम्मी एम्बिशियस थी, ऐसे था वो था, है ना, उसके बाद ये थी वो बात थी वो थी। तो वो वीडियो मैंने वीडियो में खुद आपको दिखाया था कि मम्मी को बैठा के उनसे पूछा था कि मम्मी कौन सा पार्ट मैं वीडियो में डालूं कौन सा रहने दूं, क्यों, क्योंकि मम्मी की पर्सनल लाइफ या पर्सनल डिटेल थी वो, है ना, मेरे मम्मी पापा की। तो मम्मी ने कुछ कुछ चीज़ें मेरे को बताई, मैंने वो हटा दी थी, लेकिन क्या कि उस टाइम विहान को मैं खाना खिला रही थी, खाना खिलाते खिलाते एडिटिंग में गलती से ना 1-1.5 मिनट का पार्ट था वीडियो में वो गलती से चला गया मेरे से, बल्कि वो पार्ट मुझे हटाना था, और उसी पार्ट की वजह से पापा जी भी हर्ट हो गए। बाद में पापा जी को बुरा लगा कि ना ये बात बोल रहे मम्मा उसमें, तो मतलब उसमें वो बात कैसे गई, तो फिर वो बात पापा जी को भी बुरी लगी, तो वो बात मुझे भी बुरी लगी। लेकिन फिर वो वीडियो में मुझे एडिटिंग करके वो हटाना नहीं आ रहा था पार्ट, की मैं वो वाला 1.5 मिनट कैसे हटाऊं, तो मैंने वो पूरा वीडियो भी हटा दिया फिर चैनल से। मैंने कहा छोड़ जाने देते हैं इस वीडियो को, मैंने वो वीडियो भी हटा दिया। उसके बाद पापा जी ने जिस वीडियो में थोड़ा नाराज हो रहे थे या दुखी थे रो रहे थे, मैंने वो वीडियो भी फिर हटा दिया। मैंने कहा दोनों ही हटा देती हूँ, मैटर ही खत्म हो जाएगा, है ना। फिर पापा जी को मैंने समझाया भी और मैंने दिल से सॉरी भी बोला, मेरी गलती यहाँ पे ये रह गई थी कि जब मैंने मेरी मम्मी को तो वो वीडियो दिखा दिया पूरा और मम्मी को पूछ लिया, मम्मी इसमें आपको दिक्कत तो नहीं है, ये पार्ट मैं वीडियो में डाल दूं ये डाल दूं, मम्मी ने कह दिया अप्रूवल दे दिया अपनी तरफ से, हाँ ठीक है ये डाल दे। लेकिन मेरी गलती ये थी कि देखो उसमें अगर मेरी मम्मी और पापा जी दोनों की बात हो रही थी तो मुझे वो पार्ट वीडियो में पापा जी को भी दिखाना चाहिए था, और मैं कहती पापा जी आप भी बता दो कि वीडियो में ये पार्ट भेजू या ना भेजू। एक्चुअली हुआ क्या कि उस टाइम मेरा टाइम था वीडियो भेजने का 11 बजे का होता है, तो पापा जी सो रहे थे उस टाइम, तो मैंने या तो मैं कोई इंतजार करती पापा जी का उठने का, और वो फिर वीडियो 1-1.5 बजे जाता, तो मेरे को था कि चल 11 बजे मुझे भेजना है, बाकी मम्मी ने तो बोल ही दिया भेजने को, अगर मम्मी ने कह दिया तो पापा जी को क्या दिक्कत होगी, है ना, मम्मी तो बल्कि ज्यादा देखते हैं इन चीजों में। तो बस मैंने वो वीडियो भेज दिया, फिर बाद में देखो मेरे को भी बहुत बुरा लगा, मैंने गलती से गया वो पार्ट, मैंने भेजना नहीं चाहती थी, आपके कमेंट्स भी आ रहे थे 2-3 मैंने पढ़े भी, तब मैं डर गई, मैंने कहा यार मैंने ऐसा कौन सी पर्सनल डिटेल्स डाल दी इसमें वीडियो में, मुझे खुद ही नहीं पता। फिर मैंने जब वीडियो चेक किया तब मुझे पता चला कि ओ माय गॉड ये मुझसे क्या गड़बड़ होगी। यही तो बात होती है, आप ऑफिस में नौकरी करते हो ना तो आपकी एक गलती हो दुनिया के सामने नहीं आती, पता नहीं चलती, और वो गलती ना आप ठीक कर लेते हो अपना आराम से, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या होता है सोशल मीडिया में आपसे एक गलती हो जाए ना तो बस आप सोच भी नहीं सकते, इमेजिन नहीं कर सकते हो कि कितनी तेज आपको एंग्जाइटी होने लग जाती है, क्योंकि ये सोशल मीडिया है, जो वीडियो देखते हैं ना लोग वो आसपास के ही लोग होते हैं, आपके मोहल्ले के ही लोग होते हैं, ये सिर्फ बात व्यूज की नहीं होती है। कहीं आप सोचो कि व्यूज 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 क्या होता है व्यूज, ठीक है, एज अ बिजनेस पर्पज से देखें तो बहुत अच्छा लगता है कि चलो यार 8,000 व्यूज आगे, 10,000 आगे, 12,000 आगे, 15,000 आगे, बट ठीक है मॉनिटरी बेनिफिट भी हो जाता है, लेकिन उस व्यूज से हमारी जिंदगी कितना इफेक्ट हो सकती है वो भी तो सोचना पड़ता है ना हमें, कि एक व्यूज जो आपको आ रहा है वो व्यूज कहाँ से आ रहा है, देखने वाले कौन होते हैं, आपके आस पड़ोस के लोग ही होते हैं, हो सकता है आपके फैमिली मेंबर्स हो, आपके पुराने कॉलेज के फ्रेंड्स हो, आपके लोग हो, आसपास के हो, रिलेटिव्स हो, पूरे आसपास की सोसाइटी से ही तो यूट्यूब फैमिली बनती है ना, है ना, ये बात हो जाती है। तो ये काम ऐसा होता है जो आपको एंग्जाइटी देगा ही देगा, ये काम ही ऐसा है ऑब्वियसली यार। अगर आप सोशल मीडिया में पब्लिक एज अ पब्लिक फिगर के तौर पे, देखो मैं कोई बहुत बड़ी नहीं मानती खुद को, लेकिन एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो और आप दुनिया के सामने आप अपनी जिंदगी, आपकी बिल्कुल कोई पर्सनल लाइफ तो बचती नहीं है, देखो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का कुछ नहीं बचता, सब कुछ सामने ही रहता है ना। वो है कुछ लोग
थोड़ा बहुत 10% 15% अपना हाइड करके रख सकते हैं या कुछ भी है, लेकिन कुछ ना कुछ चीजें धीरे थोड़ा बहुत देखो। अगर आप दिन की 3 वीडियो डाल रहे हो तो यार जो लाइफ में चल रहा होगा वो कुछ ना कुछ तो आपके पब्लिक के सामने जाएगा ही जाएगा। अगर मेरा मूड खराब है, मैं सुबह से रो रही हूं और मुझे पता है कि मेरी अभी मेरी वीडियो जानी है, तो ऑब्वियसली मैं हंस के तो दिखा नहीं पाऊंगी आप लोगों के सामने। अगर मेरा मूड खराब है तो ऑब्वियसली आपको भी पता चल जाएगा कि आज निधि का मूड खराब है। तो चीजें आप छिपा ही नहीं सकते। अगर आप हफ्ते की एक वीडियो डालते हो या दिन की एक वीडियो भी डालते हो तब भी आप चीजें छिपा सकते हो, लेकिन अगर आपकी रोज की 3 वीडियो जा रही हैं तो आप ये भूल ही जाओ कि आप कुछ छिपा सकते हो। आपकी जिंदगी एक आईना बन जाती है और वो आईना दुनिया के सामने स्पष्ट दिखता है ना। तो आप कुछ भी छिपा तो नहीं सकते हो ऐसे में। तो मूड खराब होता है, कुछ दिन खराब भी होते हैं। कल मैं बहुत डीप डिप्रेशन में चली गई थी, मेरा गला यहां तक भरा हुआ था, मुझे ऐसे फील हो रहा था। टेंशन बहुत होती है इस काम में, आपको लगता हो स्ट्रेसफुल तो है ही ये काम की लोग आपको हर मिनट हर पॉइंट पे जज करते हैं, है ना। और वो जजमेंट बहुत ही ज्यादा आपको हर्टफुल लगता है, हर छोटी से छोटी चीज में आपको, है ना, होता ही है ये चीज। तो सोशल मीडिया पे आए हो तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही चीजें सुनने की आदत डाल लेनी चाहिए खुद के लिए। और कई बार बस जो भी है यही होता है, तो गलतियां मुझसे भी हो जाती हैं। कई बार कुछ चीजें होती हैं जो उनकी गड़बड़ मुझसे होती है और जल्दबाजी में हो जाती है कई बार गड़बड़, बस यही लगा लो, है ना। क्या कह सकती हूँ अब इस चीज में, मैं बस इतना कहूंगी कि अगर चीज गड़बड़ होती है तो उस चीज को करेक्ट करने का हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता। जो डैमेज होता है ना वो पहुंच ही जाता है। यही तो सोशल मीडिया है ना, इसे ही सोशल मीडिया कहते हैं लोगों की क्या बोले, है ना। बस इतना बोलूंगी कि आगे से मैं कोशिश करूंगी कि ऐसी गड़बड़ मुझसे दोबारा ना हो और चीजें बस ठीक है। बाकी तो सब अच्छा ही चल रहा है, देखो सब अच्छा है। सोशल मीडिया ने मुझे जो दिया है ना वो लाइफ में मेरे को, शायद जब लोगों ने दुनिया ने साथ छोड़ दिया था मेरा, तब सोशल मीडिया ने मेरा सपोर्ट दिया, मुझे मेरा साथ दिया, मेरा सहारा बने, तभी आज मैं अपने बच्चे के लिए इतना कर पा रही हूँ और अभी भी आगे भी कर पाऊंगी, है ना। ये उम्मीद मैं कर रही हूँ खुद से। और ठीक है जी, चलिए अभी दिन की शुरुआत करेंगे। अभी मैं बेटर फील कर रही हूँ, अब अच्छा लग रहा है कि चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मैंने सॉरी भी बोल दिया, मुझसे गड़बड़ हुई तो मैंने सॉरी बोला, है ना। तो अब ये आगे से मैं ध्यान रखूंगी पूरा का पूरा। और दिन की 3 वीडियो भेजनी होती है तो काम तो मुझे करना ही है यहाँ सोशल मीडिया पे, है ना। तो आपके कुछ क्वेश्चंस हो मेरी लाइफ से रिलेटेड, बाकी तो आपको सब पता ही है ना। कमेंट्स कर सकते हो, बाकी आपके कभी पॉजिटिव पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं ना तो वो बहुत हिम्मत देते हैं मुझे, बहुत हिम्मत देते हैं। एक दो आईडी हैं जिनके मैं रिप्लाई भी हमेशा करती हूँ, वो बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं मुझे, और वो कमेंट्स जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। तो आपके प्यार के लिए, आपके सपोर्ट के लिए मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगी आप सभी को। ठीक है जी, इस वीडियो को एंड करते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे इसके बाद। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान भी रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।